जस्टिन ट्रूडो जब से G20 में आए थे तब से ही खालिस्तानी का राग अलाप रहे हैं। 1981 में पंजाब के लुधियाना में दो पुलिस वालों की हत्या का आरोप खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के नराडा प्रमुख तलविंदर सिंह परमार पर लगा था। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। भारत और कनाडा के रिश्ते अभी कुछ सही नहीं चल रहे हैं। मुद्दा है खालिस्तान। खालिस्तान को लेकर लगातार बात चल रही है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जब से G20 में आए थे तब से ही खालिस्तानी का राग अलाप रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 40 सालों से खालिस्तान विलन बनकर भारत और कनाडा के रिश्तों में बार बार दूरियां पैदा करता है, दरार लेकर आता है। जी हाँ, 40 सालों से लगातार खालिस्तान विलन बना हुआ है कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच। एक तरफ आप देखेंगे इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ आप देखेंगे पियरे ट्रूडो जो कि जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। इन दोनों के बीच खालिस्तान को लेकर हमेशा से बातचीत हुई थी, लेकिन तभी से ही खालिस्तान को लेकर लगातार कनाडा जो है इसका समर्थक बना रहा। करीब करीब 1980 की बात होगी, खालिस्तानी तलविंदर सिंह परमार का नाम पंजाब में दो पुलिस अधिकारियों की हत्या में सामने आया था जो कनाडा भाग चुका था। अगर देखा जाए तो उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो, और उस समय इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से कहा था कि वो तलविंदर को भारत को सौंप दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, साफ इनकार हो गया। और इस पर हमने देखा था कि इंदिरा गांधी ने नाराजगी भी जताई थी। 3 साल बाद जून 1985 में कनाडा के मॉन्ट्रियल से एयर इंडिया कनिक्स विमान ने उड़ान भरी थी। इसे लंदन होते हुए बॉम्बे जाना था, रास्ते ही में ही इस विमान में ब्लास्ट हो गया। कुल 329 लोगों की मौत हुई थी और जिसमें 270 कनाडाई नागरिक शामिल थे। ये हमला खालिस्तानियों ने किया था, इसका मास्टरमाइंड वही तलविंदर था जिसको लेकर इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये भारत को सौंप दिया जाए क्योंकि ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन पियरे ट्रूडो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था जिसका खामियाजा कनाडा को भुगतना पड़ा था। पंजाब के लिए देखा जाए तो अलग अलग स्टेट की मांग पहली बार 1929 यानी कि आजादी से बहुत साल पहले की गई थी। 1947 में ये मांग जो है वो बढ़ती गई और इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया और इसे नाम दिया गया था पंजाबी सूबा आंदोलन। 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए स्वायत्त खालिस्तान की मांग की गई। 1980 के दशक में खालिस्तान के पक्ष में सिखों का समर्थन बढ़ने लगा। यहां सब सिखों की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे थे खालिस्तान का, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूं। देखिए, अगर कनाडा की हम बात करें तो और यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें और अमेरिका की बात करें, ये वो देश है जहां पर ज्यादातर सिख बसे हुए हैं। हालांकि इसकी चिंगारी वहां भी पहुंच गई। अब देखिए, कनाडा में खालिस्तानियों को शह मिली 41 साल पहले ये सफर शुरू हुआ था। 26 जनवरी 1982 को सुरजन सिंह गिल ने कनाडा के बैंकवर में खालिस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल यानी निर्वासित सरकार का ऑफिस खोला था। बस तभी से ही हम देख रहे हैं कि कनाडा लगातार खालिस्तान का सपोर्ट करता आया। भारत कभी भी खालिस्तानी सपोर्टर नहीं था क्योंकि भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कभी नहीं खड़ा है और ना कभी होगा क्योंकि ये बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। देखिए, अभी हालात इतने बुरे हो गए हैं कि भारत ने वीजा भी बंद कर दिया है कनाडाइयों के लिए, यानी कि आप नहीं जा सकते और ना आप जा तो सकते लेकिन वहां से कोई आ नहीं सकता है। ऐसे हालात फिलहाल बन गए हैं। ये रिश्ते यूं ही नहीं हुए हैं, खालिस्तान पर जब जब बात हुई है रिश्ते बिगड़े हैं क्योंकि भारत खालिस्तानी समर्थक नहीं है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो खालिस्तानी है, जो समर्थक है, वो अलग अपने लिए अलग देश की मांग करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, और क्यों हो? इससे पहले भी हमने देश को बढ़ते हुए देखा है, पाकिस्तान देख लीजिए, इधर बांग्लादेश देख लीजिए। आगे ये दर्द नहीं सहा जाएगा, ना सहने का मन है। देखिए, सुरजन सिंह गिल का जन्म सिंगापुर में हुआ था, उसकी पढ़ाई भारत और इंग्लैंड में हुई, उसके बाद वो कनाडा चला गया। 1980 के दशक में ही विदेशी जमीन पर बब्बर खालसा और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जैसे कुछ अन्य खालिस्तानी संगठन उसने बना लिए। और 1981 में पंजाब के लुधियाना में दो पुलिस वालों की हत्या का आरोप खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के कनाडा प्रमुख तलविंदर सिंह परमार पर लगा था।
1982 में भारत ने तलविंदर सिंह परमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उस वक्त वो कनाडा में रह रहा था। इससे साफ है कि कनाडा ने खालिस्तानी समर्थकों को शह दी। इस बारे में बातचीत भी की थी इंदिरा गांधी ने, पीएम पियर ट्रूडो से बात की, सौंपने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नकार दिया गया। राष्ट्रमंड देशों के बीच प्रत्यर्पण के प्रोटोकॉल लागू नहीं होते, इसलिए वो तलविंदर का प्रत्यर्पण नहीं कर सकते। ये तमाम बातें लगातार की जा रही थी। आपको बता दें कि उस समय पर कनाडा में बहुत सारी बातें हो रही थी, इस पर खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट थे खालिस्तानी आंदोलन पर, लंबे समय तक उन्होंने रिपोर्टिंग की और उन्होंने किताब भी यहाँ लिखी थी जिसका नाम था ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट। इस घटना का जिक्र है इसमें। 1982 में इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी आतंकियों पर कनाडा के तर्क को खारिज करते हुए पियर ट्रूडो को फटकार लगाई थी। कनाडाई प्रतिक्रिया की इंदिरा गांधी समेत सभी भारतीय राजनेताओं ने आलोचना की थी। कभी भी ऐसा नहीं रहा, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि खालिस्तान का समर्थन किसी ने भी किया हो। हर कोई इसकी आलोचना ही करता रहा। जर्मन पुलिस ने पंजाब में दो पुलिस अफसरों की हत्या के मामले में तलविंदर को गिरफ्तार कर लिया था। ये 1983 की मैं बात कर रही हूं। एक साल के अंदर भी तलविंदर रिहा हो गया और कनाडा वापस आ गया और फिर से उसने यही काम करने शुरू कर दिए। खालिस्तानियों को पनाह देने की कीमत कनाडा के नागरिकों ने चुकाई। 1984 में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर से खालिस्तानी उग्रवादियों को खाड़ फेंकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और ये किससे छिपा नहीं है। इसके बाद प्रवासी भारतीयों के बीच खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा मिला। आपको बता दें कि लगातार ये जो चहलकदमी वो बढ़ती गई। जल्द ही एयर इंडिया के विमान आसमान से गिर जाएंगे, ऐसी भी घोषणा की थी। युद्ध की बात हो रही थी, हालांकि ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन सवाल ये है कि आयरलैंड के तट पर विमान को ब्लास्ट किया गया, विमान में ब्लास्ट किया गया। और ये जो विमान था वो 1985 में कनाडा के मॉन्ट्रियल से एयर इंडिया कनिष्क विमान ने उड़ान भरी थी और उसे लंदन होते हुए बॉम्बे जाना था, लेकिन इसमें ब्लास्ट हो गया। कुल 329 लोगों की जान चली गई। आप अंदाजा लगाइए कि इसमें 270 कनाडाई नागरिक शामिल थे। तो खामियाजा सिर्फ भारतीयों को नहीं, खामियाजा कनाडाइयों को भी भरना पड़ रहा है, जिसकी तरफ शायद ना तो पियर ट्रूडो ने ध्यान दिया और ना ही अब जस्टिन ट्रूडो दे रहे हैं। मास्टरमाइंड बब्बर खालसा, तलविंदर सिंह, तमाम लोग जो हैं ये लगातार मास्टरमाइंड बने रहे और यहां पर प्रतितर्पण को लगातार नुकसान पहुंचाने की बात होती रही कि आप इसे सौंप दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कनाडा ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो खालिस्तानियों का समर्थक है, लेकिन हो सकता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन बढ़ावा मिला। और बढ़ावा मिला ऐसा कि आज हम देख रहे हैं कि लगातार खालिस्तानी की बात, यानी कहा जा सकता है कि जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो आज से 40 साल पहले देखा जाए, या 40 साल से ज्यादा ही की मैं बात कर लूं, यहां से शुरू होता है एक अलगाववाद का आंदोलन। हालांकि 90 का दशक आया और भारत में अलगाववाद का आंदोलन ठप पड़ चुका था, लेकिन कनाडा में ये फलते फूलते रहा। कनाडा के टोरंटो में सांझ सवेरा नाम की पंजाबी भाषा में वीकली मैगजीन निकलती थी। अक्टूबर 2002 में इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छपी, इसमें इंदिरा गांधी की हत्या होते दिखाया गया था। नीचे लिखा था, पापियों की हत्या करने वाले शहीदों को नमन। यहां से खालिस्तान की शुरुआत हुई है और उसका खामियाजा भारत ने तो देखिए बैन लगा दिया है कि अभी जब तक अगला अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक कोई भी कनाडाई भारत नहीं आ सकता, लेकिन शुरुआत तभी हो गई थी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस तरह का महिमा मंडन करना क्या सही था। एक मित्र राष्ट्र की प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, महिमा मंडन होता है, मैगजीन पर कवर फोटो छपती है, चेतावनी दी जाती है, यानी बढ़ावा जो है वो 40 सालों से मिलता आया है, जिसका खामियाजा खुद कनाडा भी भुगत रहा है। नुकसान बहुत हो रहा है आर्थिक तौर पर, लेकिन कनाडा ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि नया भारत किस तरह से आगे जस्टिन ट्रूडो को जवाब देता है। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और जरूरी सूचना, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया अपना ऐप लेकर आया है, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐप को डाउनलोड करें, हर एक जानकारी आपको उसमें मिलेंगी और आप भी रिपोर्टर बन सकते हैं। आप कोई भी खबर भेजेंगे, आपकी खबर हम जरूर चलाएंगे और आगे तक पहुंचाएंगे, ताकि उस खबर से जो आप चाहते हैं, जिस तरह की आप बातें करना चाहते हैं या इंसाफ चाहते हैं, वो आप लोगों को मिल सके। इसलिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड करें।